महाराष्ट्र में क्या वाकई में कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है? क्या उगाही से आगे निकलकर पोस्टिंग को लेकर भी धांधली हो रही है? और क्या इसमें बड़े बड़े नाम शामिल है? ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल बन गया है, और खासकर तब से जब से आईपीएस रश्मि शुक्ला ने खत लिखा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा आरोप लगाए गए और ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस मसले को लेकर उद्धव सरकार को जमकर घेरा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें राज्य में चल रही ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का आरोप लगाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया वो राज्य के इंटेलिजेंस विभाग की अफसर रश्मि शुक्ला की ओर से लिखी गई है। इस चिट्ठी में रश्मि शुक्ला ने पुलिस के कुछ बड़े अफसरों और दूसरे अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में शामिल होने का दावा किया है। सबूत के तौर पर कुछ फोन रिकॉर्डिंग होने की भी बात कही है। रश्मि शुक्ला की जिस चिट्ठी को लेकर इतना बवाल हो रहा है, आखिर उसमें क्या लिखा है आपको हम ये बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस विभाग में कमिश्नर रश्मि शुक्ला की ओर से यह चिट्ठी 25 अगस्त 2020 को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि महाराष्ट्र के पुलिस विभाग में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर एक पर्दाफाश हुआ है, और साथ ही इसमें राजनीतिक कनेक्शन वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। आरोपों को पुख्ता रूप देने के लिए एक फोन नंबर की कॉल को भी ट्रेस करने का दावा किया गया, और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये भी साबित करने का दावा किया गया कि ये शक पूरी तरह से सही है। आरोप ये भी है कि कुछ ब्रोकर ताकतवर लोगों के संपर्क में हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। खत में आरोप लगाए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया में पुलिस अफसर से लेकर आईपीएस रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि ऐसा ही मामला साल 2017 में भी सामने आया था, और तब मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब जिस अधिकारी ने यह खत लिखा है आखिर वो कौन है आपको ये बताते हैं। रश्मि शुक्ला 1988 के आईपीएस बैच के अधिकारी है। फिलहाल वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। उससे पहले वो डीजी सिविल डिफेंस के पद पर थी, और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर होने के दौरान उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर शिकायत की थी। इससे पहले वो पुणे के पुलिस कमिश्नर का भी पद संभाल चुकी है। इस चिट्ठी का हवाला देकर मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, और इसी को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मुलाकात भी की। मांग की जा रही है कि पूरे मसले की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही फडणवीस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।